अभी तक हमने जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन था उसको हमने प्रूव कर दिया था यूजिंग बोसिंस्टिन स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब हम बोसिंस्टिन जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर बोसिंस्टिन कंडेंसेशन सेक्शन में एक पार्ट आता है हीलियम, लिक्विड हीलियम, उसको करेंगे कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे होती हैं। ओके, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सो देखते हैं। लिक्विड हीलियम, और इसको नॉर्मली सेकंड हीलियम बोलते हैं। ओके, नॉर्मली हमने चेक क्या किया था कि अगर बोस इंस्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर लेके चलो, यहाँ पर अगर स्पेसिफिक ही डिवाइडेड बाई के बी एन लेके चल रहे हो, यहाँ पर टी डिवाइडेड बाई टी सी कर दीजिए। ओके, ये क्वांटिटी लेके चल रहे हो, देन यहाँ पे टी सी हो रहा था ना, तो जो अपना रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये तो हमारा था 1.5 आता था इस पॉइंट पे, ये तो क्या था, क्लासिकल सिस्टम। बट ये जो सिस्टम है ये कुछ इस तरीके से मूव करता है, रैपिडली मूव करेगा। ओके, और ये टी सी टेम्परेचर पर जो कि 1 हो जाता है, टी डिवाइडेड बाई टी सी, इस पॉइंट के बाद ये इस वाले जो आइडियल गैस है उसको फॉलो करने लग जाता है। ओके, और ये वाला जो पॉइंट था ये अपना 1.92 समथिंग ऐसे करके कुछ था। ओके, इस तरीके से आना चाहिए। बट जो लिक्विड हीलियम है, बिकॉज जैसे ही हम हीलियम को हीलियम का जो टेम्परेचर है वो हम डिक्रीज करते हैं अराउंड 4 डिग्री केल्विन तक जाके, जो आपका हीलियम गैस है वो एक तरीके से लिक्विड में चेंज हो जाता है। इट मीन्स फेज ट्रांजिशन होता है उसका 4 डिग्री केल्विन पर, फेज ट्रांजिशन एट 4.2 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर। इट मीन्स, और ये जो लिक्विड है ये आपका नॉर्मल लिक्विड होता है। ओके, ये नहीं है कि इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी होगी हीलियम, लिक्विड हीलियम में। और इसमें जो प्रेशर है पी इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ये एक नंबर पॉइंट आप बोल सकते हो कि हीलियम के लिए क्या उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। ओके, अब इसके अंदर तो कर्व कुछ ऐसा बना, बट लिक्विड हीलियम का जो स्पेसिफिक हीट के लिए कर्व है वो आपके इस डाटा से कंप्लीटली डिफरेंट आता है। वो कुछ इस तरीके से आता है कि यहाँ पर तो हमने देखा कंटिन्यूटी आ रही है, बट वहाँ पर थोड़ी कंटिन्यूटी नहीं आती है। अज्यूम कीजिए ये आपका टी सी टेम्परेचर है, यहाँ पर ओनली टेम्परेचर लेके चल रहे हो, यहाँ पर ओनली स्पेसिफिक हीट लेके चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो कर्व है कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से, वैल्यू ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरीके से। ओके, और ये जहाँ तक कुछ ऐसे है, ये टी इज ग्रेटर देन टी सी है, और इसके बाद जो कर्व है ये कुछ इस तरीके से आता है। ओके, ये कर्व आप चेक कर सकते हो, अगर मैं सही से इसको ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से। ओके, इट मीन्स कंटिन्यूटी तो नहीं है इसमें, दोनों पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स पर लाई करते हैं, कंटिन्यूटी नहीं आती इस कंडीशन में। और अगर आप वेरिएशन देखोगे इस टर्म में, देन आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन मिलता है। ये आपका स्पेसिफिक हीट का डिफरेंट वेरिएशन है, ये यहाँ डिफरेंट वेरिएशन है। ओके, डिफरेंट वेरिएशन आता है, और यहाँ पर ये जो कर्व है इसके अंदर स्पेसिफिक हीट है, इसके अंदर जो हीलियम है वो आपका एक तरीके से नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करता है, टी ग्रेटर देन टी सी। और ये जो ट्रांजिशन है फेज के अंदर, टी सी जो है, टी सी इज इक्वल टू 2.17 केल्विन होता है। ओके, सो इट मीन्स फर्स्ट जो ट्रांजिशन था वो हमारे पास 4.2 डिग्री केल्विन पर था, नॉर्मल लिक्विड में चेंज हो गया। सेकंड क्या आता है,
एट टी इज इक्वल टू 2.17 केल्विन हीलियम चेंज टू ए स्पेसिफिक लिक्विड। ओके, और ये जो कर्व है, इसको हम लैम्डा कर्व बोलते हैं। ओके, लैम्डा कर्व क्यों? बिकॉज इसके पास लैम्डा की शेप है ना। लैम्डा हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसके पास लैम्डा की शेप है, इसीलिए हम इसको लैम्डा कर्व भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ से हमने देखा कि इतने पर स्पेसिफिक लिक्विड में चेंज हो जाता है, और ये जो लिक्विड होता है इसके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, विद स्पेशल प्रॉपर्टीज। स्पेशल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? फर्स्ट आता है एक तो सुपर कंडक्टिविटी। ओके, बी आता है एंटी ग्रेविटी। ओके, और सी आप बोल सकते हो सुपर फ्लूड। सुपर फ्लूड बन जाता है इस केस में आपका हीलियम। ओके, इट मींस जो विस्कोसिटी है वो इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ जाती है, और सुपर कंडक्टिंग में सिग्मा वो है आपका अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। ओके, सुपर कंडक्टर बन जाता है। सो ये इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं ये इस स्पेसिफिक आपके लिक्विड के लिए। ये जो आपका क्या हो जाता है, स्पेसिफिक लिक्विड, टी इज लेस देन टी सी पर। ओके, अब यहां पर अगर इस कर्व के अंदर अगर हम चेक करें देन दो वेरिएशन है, एक वेरिएशन ये आ रहा है, एक ये वेरिएशन आ रहा है। ओके, और अगर ये वेरिएशन अगर मैं बोलता हूं 0.6 केल्विन। ओके, इस टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में नॉर्मली क्या होता है, आपका स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो इस रेंज में फॉलो होती है। इट मींस अगर मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूं दैट 0.6 केल्विन टू टी सी केल्विन, आपका जो सी वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी टू दी पावर 3/2 के। बट अगर आप लेस लेस देन 0.6 केल्विन की बात करते हो देन जो स्पेसिफिक हीट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर की पावर 3 से। ओके, अब टेम्परेचर की पावर 3 और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट मीन्स जो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर फिर से चेंज हो रही है। बहुत सारे ट्रांजिशन आ गए ना कि यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टीज की चेंज हो जाती है। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है टेम्परेचर की थर्ड पावर से, ये आती है आपकी इन केस ऑफ सॉलिड्स। ओके, इट मींस कि अराउंड एब्सोल्यूट जीरो हीलियम बिहेव लाइक सॉलिड्स। ओके, यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ सकता है, हम अभी तक कंफर्म नहीं है कि सॉलिड्स ही है। ओके, वैसे ही सॉलिड्स ही होगा कि सॉलिड की तरह ही बिहेव करता है। आगे हम जो एक दो थ्योरी चेक करेंगे उनके अंदर वो एक्सप्लेन करेंगे, उन वो बताएंगे कि सॉलिड ही आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है हीलियम की लेस देन 0.6 केल्विन। जैसे कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट का कर्व है वो आपके इस थ्योरी से एक्सप्लेन किया नहीं किया जा सकता, जो कि आपकी एक तरीके से आइडियल बोस गैस है। ओके, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि ये जो इंटरवल है 0.62 ये वाला, ये आपका क्या करता है, ये आपका आइडियल बोस गैस की तरह बिहेव करता है। ओके, बिकॉज उसके अंदर भी T 3/2 था, बट इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है।
और इसके अंदर नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपका आइडियल बॉस गैस इसके अंदर सॉलिड की तरह बिहेव करता है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है हीलियम। और हीलियम को हम आइडियल बॉस गैस से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरीके से जैसे कि स्पेसिफिक हीट है, उसी तरीके से आप प्रेशर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो बोस इंस्टेंट जो आपका कंडेंसेशन या फिर जो गैस थ्योरी है उससे। इसके लिए हमारे पास कई थ्योरीज वगैरह आएंगी, वो हम देखेंगे आगे। एक दो थ्योरी आएगी, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बट जस्ट वो थ्योरी का ओवरव्यू चेक करेंगे कि क्या उनके अंदर होगा। अब यहाँ पर जो सुपर फ्लूड है, जो हमारे पास जो फ्लूड आया, जो लेस देन टीसी पर जो स्पेसिफिक फ्लूड के अंदर चेंज हो जाता है हीलियम, ये किस वजह से होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों होता है, क्या वजह है सुपर कंडक्टिविटी की, कि जैसे ही आप लेस देन टीसी कर देते हो कि हीलियम आपका सुपर फ्लूड बन जाता है, एंटी ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है। ये जो आपकी सुपर कंडक्टिविटी है ये इसीलिए होती है, ये अप्रोक्सीमेटली सुपर कंडक्टिविटी जो है लेस देन टीसी तो आती है, बट इसके लिए जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 0.003 केल्विन समथिंग ऐसे होता है। इट मीन्स यू कैन से बहुत लेस टेम्परेचर होता है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पर ये सुपर कंडक्टिविटी आती है। इस केस में होता क्या है कि सुपर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कैसे होती है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, फिर इसकी हेल्प से ही ये हो पाएगा। सुपर कंडक्टिविटी में होता है क्या है कि ये जो लिक्विड हीलियम है, सपोज ये हमारे पास लिक्विड हीलियम है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं कूपर पेयर, कूपर पेयर बिकॉज कूपर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये BCS थ्योरी आता है आपका सुपर कंडक्टिविटी का, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें, जस्ट ओवरव्यू चेक करेंगे कैसे आता है। इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो सपोज एंटी क्लॉकवाइज है, इसका क्लॉकवाइज है, दोनों का अपोजिट स्पिन होना चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं विद सेम वेलोसिटी। यहां पर अगर वेलोसिटी वी है देन यहां पर भी वेलोसिटी वी होना चाहिए। सो ये जो पेयर है ये इतना लार्ज, एक तरीके से अगर आपके लैटिस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर बनाने स्टार्ट कर दें, कूपर पेयर, सो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक तरीके से चेन बना लेते हैं। उस चेन की वजह से इतना हाई करंट चला जाता है कि एक तरीके से सुपर कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स कि आपने सुपोज कि जैसे जैसे कि सपोज हमारे पास अगर कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट था, अगर हमने उसको एक बार ऑन कर दिया देन वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, बिकॉज उसके पास कंडक्टिविटी हाई है, हाई कंडक्टिविटी से कोई लॉसेज ही नहीं होंगे, बिना लॉस के आपका करंट कंटिन्यूअसली उसके अंदर रन करता रहेगा और वो सिस्टम एक तरीके से फ्री एनर्जी सोर्स बन जाएगा, जो कि वैसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। बट सुपर कंडक्टिविटी हमारे पास उस सेक्शन में आ जाती है जहाँ पर आपका कूपर पेयर जनरेट होता है। और लिक्विड हीलियम में अप्रोक्सीमेटली अराउंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर आपके कूपर पेयर जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से सुपर कंडक्टिविटी आपके हीलियम के अंदर प्रोड्यूस होती है। सो ये रीजन था सुपर कंडक्टिविटी का इन हीलियम। अब ये आता है कि हम ये जो लैम्डा कर्व है इसको हम अपनी जो आइडियल बोस गैस है उससे क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बिकॉज जो हीलियम 3 है, हीलियम 3 बिकॉज कि 4 था, 4 में से कूपर पेयर बन के बच गया 3। इट मीन्स आपका जो हीलियम है वो एक तरीके से एक दूसरे में अट्रैक्शन बना लेता है, आपस में एटम है उनके बीच में एक वीक फोर्स लगता है। उस वीक फोर्स की वजह से ही आपका ये बिहेवियर आ रहा है, और उस बिहेवियर को हम
आइडियल बोस गैस में नेगलेक्ट कर रहे हैं। हमने देखा था कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, वो केस हम यहाँ पर लेके चले थे, बट इस केस में ऐसा नहीं है। उनके बीच में वीक इंट्रैक्शन होगा एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से ही आपका जो स्पेसिफिक हीट का कर्व है या फिर आप प्रेशर का कर्व है वो टोटली डिफरेंट आने वाला है। ओके, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो कूपर पेयर बन रहा है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है सुपर कंडक्टिविटी को, ये जो कूपर पेयर है ये हमने देखा था कि कूपर पेयर ओनली जनरेट होते हैं लैटिस में। ओके, लैटिस में जनरेट होते हैं तो जो रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को, सॉलिड में ही लैटिस बन सकते हैं। सो लैटिस जो है सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है हीलियम अराउंड एब्सोल्यूट जीरो। इट मीन्स अराउंड एब्सोल्यूट जीरो आपका जो लिक्विड हीलियम है वो सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज कि उसके अंदर आपका बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन हो रहा है। पार्टिकल्स हैं वो आपके ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं, उसकी वजह से वो एक तरीके से सॉलिड की तरह बिहेव करने लग जाता है अराउंड एब्सोल्यूट जीरो। उसकी वजह से लैटिस प्रोड्यूस होती है, लैटिस में कूपर पेयर बनते हैं, कूपर पेयर की वजह से ही आपका सुपर कंडक्टिविटी आता है। और ये जो बिहेवियर है ये इसे डिफरेंट आता है। इसका एक और रीजन आप बता सकते हो कि अगर आपका जो मिक्सचर है वो मिक्सचर अगर हीलियम 4 और हीलियम 3 का मिक्सचर है, बिकॉज इसके दो ये आपके आइसोटोप्स होते हैं हीलियम के आइसोटोप्स हैं, उसकी वजह से आपका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। बिकॉज कि हीलियम जो 3 है वो एक तरीके से आपका फर्मियोन की तरह बिहेव करता है। इसका बिकॉज इसका जो स्पिन है वो 1/2 होता है, उसकी वजह से ये फर्मियोन की तरह बिहेव करता है। ये जो है हीलियम 4 ये आपका बोसोन होता है, बिकॉज इसका जो बिहेवियर है वो इसका स्पिन 0 है, उसकी वजह से ये एक तरीके से बोस गैस को फॉलो करेगा और वो फर्मी गैस को फॉलो करेगा। इस तरीके से अगर दोनों का मिक्सचर है आइसोटोप्स का उसकी वजह से भी ये बिहेवियर आ सकता है नॉर्मली अगर हम चेक करें। अब हम मतलब देखेंगे आगे कि क्या रीजन होगा इसका, कैसे ये डिफरेंट आता है। दो थ्योरीज हम चेक करेंगे। ओके, हीलियम लिक्विड के ऊपर। ओके, अब हम एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो और देख लेते हैं हीलियम की। हीलियम की फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि आपका हीलियम के गैस के अंदर जो आपका वेपर प्रेशर है, लेटेंट हीट है, सरफेस टेंशन है, इलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके अंदर कोई भी अब्रप्ट चेंज नहीं ऑब्जर्व किया गया। बिकॉज ये क्वांटिटी है जैसे वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर क्या होता है, एक तरीके से प्रेशर है जो हीलियम आपकी गैस स्टेट में है, इट मीन्स जो ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल्स नहीं है उनके लिए। और वो हमने चेक किया था कि वो चीज़ होती है इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। प्रेशर की वजह से आपका सरफेस टेंशन में चेंज नहीं आएगा। ओके, और इसी तरीके से लेटेंट हीट वगैरह, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो क्वांटिटी है ये आपकी नंबर डेंसिटी पर डिपेंड करती है। और हमें पता है कि ये चीज़ें आपकी चेंज नहीं होने वाली, इस केस में अब्रप्टली कोई भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये डिपेंड करती हैं आपके नंबर डेंसिटी पे। और नंबर डेंसिटी का आपके आइडियल बोस जो मॉडल है उसके अंदर इफेक्ट नहीं पड़ता है ज़्यादा। ओके, और उसकी वजह से ये क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। सो अब हम कई मॉडल्स आते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, जस्ट उनका ओवरव्यू देखेंगे कि क्या उनका एजम्पशंस वगैरह थे, क्या उनका रिजल्ट था। उनका डेरिवेशन वगैरह हम नहीं करने वाले, हो सकता है बहुत बड़ा हो बट उनके अंदर हम ज़्यादा नहीं जाने वाले, बिकॉज वो हमारे एक तरीके से एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बाहर है एक तरीके से। ओके, होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो हो जाए, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। ओनली सिंपल ओवरव्यू चेक करेंगे कि क्या वो मॉडल्स थे, क्या उनके रिजल्ट्स थे, क्या एक्सप्लेन करते हैं वो चीज़ें। अब हम देखते हैं जो टिस्जा मॉडल है वो क्या है। हम ज़्यादा ओवरव्यू में नहीं, ओवरव्यू चेक करें, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे इसलिए मैंने ओवर राइटिंग किया और वो कोई नहीं है। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि बिलो TC जो है, इट मीन्स जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसे लो टेम्परेचर पर जो हीलियम है वो मिक्सचर होता है आपका नॉर्मल फ्लूड और सुपर फ्लूड, ये हमने चेक कर लिया था। हाँ, ये हमें ऑब्जर्व होता है और ये उन्होंने लेके भी चला था, एजम्पशन लेके चला था। ओके,
फिर बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी जो है वो कंपोनेंट जो है वो 0 to TC तक इंक्रीज करता है, ओके। और अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पर चेक करते हो तो सुपर कंडक्टिविटी पीक कंडीशन में होती है, इट मीन्स यूनिटी होता है आपका कंपोनेंट, ओके। अब इस मॉडल में किया क्या गया कि जो हीलियम है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो वाइब्रेशनल मोड हैं उसके अंदर जो सेकंड वाइब्रेशनल मोड है उसके अंदर कंपोनेंट का वेलोसिटी चेक किया गया, ओके। और यहाँ पर हमारे पास दो डाटा आते हैं, ये तो वो डाटा है जो टिस्जा ने फाइंड आउट किया था, हम इसको नहीं फाइंड आउट करने वाले बिकॉज डीपली नहीं जा रहे हम ज़्यादा, ओके। ये रिजल्ट है टिस्जा मॉडल से, एक्सपेरिमेंटल कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व हुआ, ओके। अब ये जो वैल्यू है ये आपके कुछ इस तरीके से फिट हो रही है, इट मीन्स एक्सपेरिमेंटल डाटा से कम्प्लीटली मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये आपका एक्सप्लेन करने में एक तरीके से उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है लिक्विड हीलियम के, ओके। सो हमें एक दूसरे मॉडल की ज़रूरत है, सो हम दूसरे मॉडल पर मूव करेंगे। अब हम देखते हैं आपकी जो लेंजूज थ्योरी है आपकी लिक्विड हीलियम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका जो बिहेवियर है वो एक तरीके से डिफरेंट क्यों आता है आइडियल बोस गैस से उसके लिए, ओके। सो इसके अंदर लेंजियो ने क्या देखा कि लंडन और जो टिस्जा थे उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी यूजिंग बोस-एनस्टीन कंडेंसेशन, ओके। और उन्होंने देखा था कि वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, फिर जो लेंजियो थे उन्होंने अपना एक मॉडल एक तरीके से प्रपोज किया, ओके। उस मॉडल में उन्होंने क्या बताया, मॉडल में फर्स्ट पॉइंट था कि एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो एल पार्टिकल आर इन ग्राउंड स्टेट, ओके, एंड हीलियम बिहेव्स लाइक ए सॉलिड, ओके। सॉलिड सॉलिड लाइक प्रॉपर्टी आ जाती है, ओके, हीलियम के अंदर एब्सोल्यूट जीरो के अराउंड, ओके। ये आपका एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया किसे, जो T3 लॉ है फॉर स्पेसिफिक हीट, और ये हमने चेक कर लिया जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उससे कि T3 लॉ को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स T3 लॉ को तो सॉलिड फॉलो करते हैं, इट मीन्स ये आपका एब्सोल्यूट जीरो पर सॉलिड की तरह बिहेव करता है, इट मीन्स एब्सोल्यूट जीरो पर हीलियम आपका सॉलिड है, ओके। और T3 लॉ से आपका स्पेसिफिक हीट एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। हमने अभी तक T3 लॉ तक जहाँ तक कर्व बन रहा था वहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, ओके। उसके लिए उन्होंने कि इस बिहेवियर के बाद क्या होगा, इसके लिए जो लेंजू थे उन्होंने अपना एक थ्योरेटिकल एक तरीके से मॉडल पेश किया, ओके। इसके बाद क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल मॉडल, और ये जो मॉडल है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है 0 to 2 केल्विन रेंज में, इट मीन्स हीलियम का 0 to 2 केल्विन, जिसमें मोस्टली आपके जो एक तरीके से जो पार्ट थे दो हम एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बोस-एनस्टीन स्टैटिस्टिक्स से, वो मोस्टली इसी रेंज में आते हैं 0 to 2 केल्विन, ओके। इस मॉडल में जो लेंजू थे उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट बोला कि एट टी इज इक्वल टू जीरो देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ एक्साइटेशन, ओके। इट मीन्स टी इज इक्वल टू जीरो पर किसी भी तरीके का आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो मोशन नहीं है कोई भी, ओके। और सॉलिड की तरह बिहेव करेगा वो तो हमने पहले ही बता दिया, और किसी भी तरीके का कोई भी मोशन नहीं होगा, ओके। अब मोशन होना स्टार्ट कब होएगा कि
जब आप टी 0 केल्विन से 0.5 केल्विन करते हो, देन उसके अंदर प्राइमरी एक्साइटेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, और प्राइमरी एक्साइटेशन में होता क्या है कि जो आपके एटम्स है वो आपके वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक वाइब्रेशनल मोशन होगा। और वाइब्रेशनल मोशन के केस में जहाँ भी आपका पॉइंट आ जाए कि जहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन होता है उसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर का जो क्वांटा है, ओके, जो क्वांटा है वो आपका होता है फोनोन। ओके, और जो फोनोन है वो आपका एक तरीके से बोसोन होता है। ओके, फोनोन आपका बोसोन होता है। ओके, इसके अंदर क्वांटा आ जाता है आपका फोनोन। ओके, अब ये जो फोनोन है एक तरीके से जो वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन की वजह से आपका जो स्पेसिफिक हीट है वो एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज उसका जो मोशन है, उसका जो एनर्जी है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद जो लेंजी थे उन्होंने बोला कि सेकेंड एक्साइटेशन आपका आता है 0.5 केल्विन टू 2 केल्विन की रेंज में। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें आपका हो जाता है लोकल रोटेशनल मोशन। ओके, और लोकल रोटेशनल इट मीन्स जो एटम्स हैं वो अपने अपनी जगह ही अपने प्लेस पर रोटेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक तरीके से रोटेशनल मोशन होता है और इसकी वजह से उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। और इस मोशन में जो आपका क्वांटा होता है वो होता है आपका रोटोन। ओके, क्वांटा है वो आता है रोटोन। और ये जो रेंज है आपकी कितनी रेंज, 0.5 केल्विन, अब ये 2 केल्विन है, बट 1 केल्विन तक जो है वो मिक्सचर होगा दोनों का। इट मीन्स फोनोन फोनोन प्लस जो रोटोन है वो आपके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बिहेवियर। ओके, और यहाँ पर रोटोन के लिए जो रोटोन है हमने चेक किया था, रोटोन को हम अज्यूम करते हैं कि ये आपका एक तरीके से बोसोन होगा। ओके ओके, रोटोन जो है वो एक तरीके से बोसोन है, जैसे फोनोन था वो आपका वाइब्रेशन के केस में था, उसको हमने क्या लिया था, बोसोन लेके चले थे। रोटोन को भी हम अज्यूम करते हैं कि ये बोसोन ही होगा, कंसिडर करते हैं इसको बोसोन होगा। ओके, और बोसोन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सॉरी बोसोन की नहीं, रोटोन्स की, रोटोन का जो नंबर है, रोटोन नंबर सिस्टम में वो आपका फिक्स नहीं होता है। क्यों फिक्स नहीं होती है, बिकॉज कि जो एनर्जी है क्वाजी पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जैसे आपका फोनोन है, ओके, जिसका इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होता है, ओके, उनका जो एक तरीके से एनर्जी है, इनका जो एनर्जी है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है आपका मोमेंटम का। ओके, फॉर स्मॉल मोमेंटम, अगर स्मॉल मोमेंटम है पार्टिकल्स का, जैसे फॉर एग्जांपल फोनोन था, फोनोन का अगर मोमेंटम स्मॉल है देन उसका एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोमेंटम के। ओके, बट अगर जो एलिमेंट्री एक्साइटेशंस उसके अंदर आ जाते हैं, ओके, इट मीन्स अगर उसके पास मोमेंटम हाई आ जाता है, लेकिन हाई मोमेंटम की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके अनस्टेबल होते हैं। ओके, अनस्टेबल होने की वजह से वो आपके डीकम्पोज हो जाते हैं पार्टिकल्स इंटू सेवरल एक्साइटेशंस ऑफ स्मॉलर मोमेंटम। इट मीन्स हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंसिडर ही नहीं कर पाएंगे कितने हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सिस्टम आर नॉट फिक्स्ड। ओके, एक बार मैं इसको सेंटेंस को पढ़ देता हूँ कि रोटोन नंबर इन द सिस्टम इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज द एनर्जी ऑफ क्वाजी पार्टिकल लाइक फोनॉन्स इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ मोमेंटम ओनली फॉर स्मॉल मोमेंटम एंड
एलिमेंट्री एक्साइटेशंस विद हायर मोमेंटम आर अनस्टेबल एंड डीकम्पोज इंटू सेवरल एक्साइटेशंस ऑफ स्मॉलर मोमेंटम. ओके, सो इसी वजह से हम इनका नंबर फिक्स नहीं कर पाते. ये इनकी प्रॉपर्टी होती है रोटोन्स की. ओके, अब हम चेक करेंगे कि उसके रिजल्ट्स क्या थे. ओके, और कैसे वो फिट हुए. ओके, अब हम चेक करते हैं जो हमारा जो मॉडल था उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आते हैं. इसका जो रिजल्ट है वो प्योरली आपका एक एम्पेरिकल कंसिडरेशन होता है डायरेक्टली डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का, या फिर आप उसको बोल सकते हो डिस्प्रेशन रिलेशन. बिकॉज जो आपका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू हम क्या है के फाइंड आउट करते हैं. वैसे तो क्या होता है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वर्सेज आपका के, जो आपका एक तरीके से वेव नंबर जो होता है उसके उसका होता है वैसे तो डिस्पर्शन रिलेशन. बट यहाँ पर हम मोमेंटम लेके चल रहे हैं, वो भी एक तरीके से आपका डिस्पर्शन रिलेशन ही होगा बिकॉज पी को इन टर्म्स ऑफ के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो ये जो रिलेशन है ये टोटली एम्पेरिकल रिलेशन होगा. ओके, और इसकी हेल्प से हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं एम्पेरिकल मेथड से. एम्पेरिकल मेथड क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा था, एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमने अपनी तरफ से क्या है फंक्शंस अज्यूम करके उनको जस्ट क्रॉस चेक करके या फिर उनका जो वैल्यूज था वो फाइंड आउट करके कैसे भी करके हमने एक तरीके से चेक किया कि कैसे वेरी हो रहा है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा. उसके हिसाब से हमने फंक्शन को डिफाइन किया, वही आपका एम्पेरिकल होता है एम्पेरिकल रिलेशन. कि हम जस्ट वेरिएशन चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम कि कैसे मोमेंटम के साथ वेरिएशन हो रहा है. हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि पी स्क्वायर और यहाँ पर पी की टी के साथ वेरिएशन होता है, पी पी स्क्वायर और पी टू द पावर जीरो के साथ वेरिएशन आ रहा है ना यहाँ पर. ओके, और ये जो है ये आपका यू वन इंटू पी है. यू वन यहाँ पर देखिए क्वांटिटीज क्या क्या क्वांटिटीज हैं. सबसे पहले आता है यू वन. यू वन आपका है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट साउंड, कि आपका फर्स्ट साउंड क्या होगा, फर्स्ट वाइब्रेशनल मोड क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या है, वो यू वन है. पी आपका मोमेंटम है विद रेस्पेक्ट टू मोमेंटम. मोमेंटम कब बढ़ेगा, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, देन ही आपके मोमेंटम बढ़ेगा. इट मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सबसे पहले फोनोन मिलते हैं फिर बाद में रोटोन मिलेंगे. ओके, ये इस रिलेशन को बाद में चेक करेंगे. सबसे पहले एम्पेरिकल रिलेशन मिलने के बाद इनमें क्वांटिटी आती है यू वन. पी नोट क्या होता है, लोएस्ट रोटोन लेवल. अगर इस कर्व में चेक करें लोएस्ट रोटोन लेवल होता है इस केस में बिकॉज रोटोन यहां से स्टार्ट हो रहा है. इस केस में तो क्या है, इस केस में तो क्या है मोमेंटम जीरो, p इज इक्वल टू जीरो पर आपका लोएस्ट फोनोन मिल रहा है. ओके, बट जो रोटोन है वो अगर p नोड मोमेंटम पर रोटोन मिल रहा है, p नोड मोमेंटम पर, देन ये जो मोमेंटम है ये आपका लोएस्ट रोटोन लेवल होगा एक तरीके से. ओके, इसके बाद आता है डेल्टा. डेल्टा क्या है, एनर्जी गैप बिटवीन लोएस्ट फोनोन लेवल एंड लोएस्ट रोटोन लेवल. यहाँ से चेक कीजिए लोएस्ट फोनोन लेवल कौन सा है, लोएस्ट फोनोन लेवल ये है और लोएस्ट रोटोन लेवल ये वाला, बिकॉज यहाँ पर आपके स्टार्ट होते हैं, जस्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर. इट मीन्स जो गैप है इसके बीच में जो मैंने डेल्टा लिखा है वो आपका लोएस्ट आ जाता है. इसके बाद हमने ये गैप भी आपका डेल्टा होगा बिकॉज लोएस्ट रोटोन लेवल टू नेक्स्ट लेवल वो भी तो आपका डेल्टा होगा. सो इसके हिसाब से फिर ये आपका टू डेल्टा हो जाता है जो सैचुरेशन पॉइंट है आपका रोटोन का. ओके, और जो आपका यहाँ पर सिग्मा हमने अज्यूम किया है वो इफेक्टिव मास है आपका रोटोन का. रोटोन का कितना इफेक्टिव मास होगा वो, ये एक टोटली एम्पेरिकल रिलेशन है. ओके, अब जैसे ही इस रिलेशन को हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ प्लॉट किया देन वो हमें एग्जैक्टली मैच किया बिकॉज एम्पेरिकल रिलेशन है तो एग्जैक्टली मैच करेगा. और ये इस तरीके से कुछ आ जाता है. यहाँ से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा और स्टार्टिंग में फर्स्ट वाइब्रेशनल एक तरीके से
इफेक्ट्स अगर हमें ऑब्जर्व होंगे, देन सबसे पहले फोनोन्स हमें ऑब्जर्व होंगे, फोनोन्स के बाद सेकंड आपका जो एक्साइटेशन है उसके अंदर आपके रोनोन जो रोटोन्स हैं वो ऑब्जर्व होंगे। ओके, इसके हिसाब से आपका जो स्पेसिफिक हीट है वो एक तरीके से दोनों का मिक्सचर होगा, बिकॉज दोनों ही बोसोन हैं। ओके, और दोनों बोसोन होने की वजह से आपका जो सिस्टम है वो होगा बोसोन गैस, बट जो पार्टिकल्स हैं वो अब इस केस में आपके चेंज हो गए, आपके पार्टिकल हीलियम पार्टिकल ने होके फोनोन और रोटोन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ही आपका जो स्पेसिफिक हीट का जो कर्व है वो डिफरेंट आया था हमारा। ओके, और यहाँ पर हम ओनली डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट चेक कर रहे हैं, इसका कोई वैसे सिग्निफिकेंस नहीं है कि डायरेक्टली डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें किसी न किसी रिलेशन को तो फिट करके देखना पड़ेगा ना। सो हमने एम्पेरिकल रिलेशन चेक किया था डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, बट हमने यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व क्या करना है, हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है प्रजेंस ऑफ फोनोन एंड रोटोन, वो हमने यहाँ पर प्रूव कर ली कि हाँ एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो रहा है। सो यही रीज़न है कि स्पेसिफिक हीट का जो कर्व है वो कुछ लैम्डा शेप में आ रहा है। ओके, सो इस तरीके जो जो आपका लेंजू जो आपका थ्योरी है स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन करने के लिए, जो बिहेवियर है स्पेसिफिक हीट का इन केस ऑफ लिक्विड हीलियम, ओके, वो आपका कंप्लीट हो जाता है।